इस देश में किसानों का एक विलक्षण वर्ग है जो कर्म से तो बहुत ही श्रेष्ठ किसान है, लेकिन यदि उसको आप देखें तो वो दिखने में सैनिक जैसा लगता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में इस वर्ग के जैसा किसान कोई अन्य वर्ग नहीं है। लेकिन यदि आप इस किसान वर्ग के किसी बुजुर्ग से बात करने की कोशिश करेंगे और आप उसके इतिहास के बारे में पूछेंगे तो वो बुजुर्ग सिर्फ दबी आवाज से दो बातें बताएगा। एक तो वो कि वो क्षत्रिय है, दूसरा कि वो लवकुश का वंशज है। इन दोनों तथ्यों को तार से तार जोड़ते जोड़ते हमारी टीम पहुंच गई छत्तीसगढ़ के राजवाड़ों के बीच, जहां से हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिली है। और उस जानकारी से हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वर्मा पूर्ण क्षत्रिय का 1000 साल पुराना इतिहास क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। आज हम आपको साक्ष्य, प्रमाण और घटनाक्रम के आधार पर ये बताएंगे कि वर्मा कूर्म क्षत्रिय कैसे हैं और क्या है इनकी 1000 साल पुरानी वंशावली। हम ये भी बताएंगे कि पिछले 1000 सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये रजवाड़े गुमनाम किसान बन गए। यो हम छत्तीसगढ़ के रजवाड़े कूर्म राजवीर सिंह रजवाड़े के विशेष आग्रह पर बना रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उन रजवाड़ों को जानकारी देने के लिए अपनी टीम की तरफ से पूरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो में हम आपको 1000 वर्षों के उस घटनाक्रम से परिचित कराएंगे और सभी साक्ष्यों के साथ वो बात करेंगे जिससे आप ये जान जाएंगे कि वर्मा कूर्म क्षत्रिय वंशावली कैसी है और आखिर वो बुजुर्ग जो ये जवाब देते हैं कि वो क्षत्रिय हैं और लवकुश के वंशज हैं, उस बात में, उस तथ्य में सच्चाई कहां तक है। तो देखते रहिए अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। जल्द ही पूरे वीडियो के साथ हमसे आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए